राजगढ़ थाना क्षेत्र के बसंतपुर चौकी के हिंदी बाजार स्थित राधाकांत ज्वेलर्स की दुकान से रविवार की देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 15,000 नकदी 4.5 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे राजगढ़ थाना प्रभारी अरुण पवार, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह व अन्य पुलिसकर्मी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुकान के प्रोप्राइटर राधाकांत वर्मा, सीओ कोतवाली बीपी सिंह और एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। खाना पड़ जाएगा कि रखिए हम साथ देख ली तुरंत पानी ले लिया। अरे उधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, बगल में चौकी है। अच्छा, रखने की वजह से साथी अपराधी वो आप समझे बहुत बड़ा अपराधी है, किसी साहब फोन करके रखा गिरा जैसे बता। राधाकांत वर्मा, राधाकांत ज्वेलर्स के नाम से मेरी फोन। पहली बात तो यह है कि 4 दिन पहले भी, क्योंकि यहीं पर पुलिस चौकी पास में है, 4 दिन पहले भी हमारे ताला पर जो है बार किए थे ईंटा से। हमने इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से अजय सिपाही को हमने दिया था, आज भी वो मौजूद है यहाँ पर। और कल रात में, क्योंकि बिजली हमारा रोज़ जलता है, हम लोग जो है इसको देखते रहते हैं, लेकिन कल रात में जो है ये हमारा ताला तोड़े हैं, अलमारी तोड़े हैं, शीशा तोड़ करके और सारा तोड़ करके लगभग 4.5 किलो चांदी की जेवरात और 15,000 रुपया लगभग हमारा जो है इसमें चोरी गया। आज सबेरे हमारा लड़का टहलने जा रहा था, सबेरे मॉर्निंग वॉक के लिए 6 बजे निकलते हैं, तब वो निकले यहाँ से तो देखे ताला टूटा हुआ था, तब सूचना करके प्रशासन को हमने 100 नंबर पर 102 नंबर हमने फोन किया और वहाँ से फिर जनबा वो आए। नहीं अजय भैया दिए थे, अजय भैया मौजूद हैं, नहीं कोतवाल साहब अजय सिंह आए थे खुद यहाँ पर देख करके गए थे, देखे थे और उन्होंने कहा कि और ताला जाता और मजबूत मार दीजिए। हाँ, ये गली में पहली बार घटना हुई है भैया, और हम नहीं समझ पाते थे कि ऐसा घटना कभी होगा, क्योंकि पगन पूरी चौकी है और अक्सर प्रशासन यहाँ से आती जाती है, और फिर भी जनबा ऐसा घटना हो भी मेरे साथ हुआ, हम तो बड़ा दुख से व्यतीत करते हैं कि हमारे साथ कैसे हो गया। अब हम किसको दोषी माने, किसको दोषी माने हम? माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे शहर में हैं, शाम को हमारे महाराज जी भी आ गए हैं, प्रशासन भी लगी हुई है उनके वीआईपी ड्यूटी में, हम किसको दोषी माने हम? वो तो अभी वीआईपी ड्यूटी छोड़ करके अभी सारे अधिकारी आए हैं अभी। हमने सुबह वीरेंद्र भैया को मंदिर पर फ़ोन भी मैंने किया, तत्काल मैंने फ़ोन किया मंदिर पर, हमने कहा इसी घटना मेरे साथ हो गई है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रशासन से बात करता हूँ, बल्कि वो आए थे 100 नंबर पर, तो उनसे उन्होंने बात भी किया। ये श्री रमाकांत ज्वेलर्स जी हैं, इनकी दुकान में शटर का ताला तोड़ करके राधाकांत जी, और इनके यहाँ जो है ग्लास लगा था, उस ग्लास को फोड़ करके चांदी और करीब 15,000 रुपये नकद चोरी कर लिया गया है, जिसके संबंध में सूचना पंजीकृत कराई जा रही है। गलियों के में जितने भी CCTV लगे हैं उनको खंगाला जाएगा, और हर जो पुराने अपराधी इस तरह के अपराध करने वाले हैं उनको भी देखा। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, बहुत से कंटेनमेंट जोन भी बने हुए हैं, गलियां भी सील हैं, और उसी का फायदा, और रात में मौसम भी ख़राब था और पानी वानी बरसा है, उसी मध्य में किसी समय उन्होंने चोरों ने चोरी की।
ये आज तड़के एक चोरी हुई थी बसंतपुर चौकी के पास जो है ज्वेलरी की दुकान से, उसमें 4500 ग्राम चांदी जो तहरीर दी गई है, 4500 ग्राम चांदी 15000 रुपये उन्होंने बताया है कि चोरी हुई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।